क्यों आज की युवा पीढ़ी कर रही है अपनी सेहत के साथ खिलवाड़? क्यों अब गरीबों का खाना बनना लगा है अमीरों की पसंद? मोटाना आज एक बार फिर विश्व क्रांति के रूप में आ गया है। क्यों मोटाना आज अब मशहूर होता जा रहा है? आप सब भी अब हमारे साथ बोलिए मोटा अनाज राइट चॉइस राइट चॉइस। क्या आपकी थाली में बाजरा है? क्या हमारी थाली में बाजरा है? क्या आपकी थाली में मोटा अनाज है? क्या हमारी थाली में मोटा अनाज है? मम्मी मेरी आंखों का नंबर भी बढ़ता जा रहा है, अब तो आप मुझे धुंधली नजर आ रही हो। मैं तो कैंसर की बीमारी से मर ही जाऊंगा। आंखें देखो मेरी, देखो आंखें मेरी। अगर नहीं है आपकी थाली में जो बाजरा ज्वार, तो आज ही ले आए और मजबूत बनाए अपने हड्डियों को, क्योंकि इसमें है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप भी खाएंगे मोटा अनाज? हाँ, भी खाएंगे मोटा अनाज। जी मम्मी, अब मैं भी रागी से बने लड्डू और डोसे खाऊंगा और अपनी आंखों से चश्मा हटाऊंगा। मैं भी बनाऊंगी अपनी हड्डियों को मजबूत। मैं भी अपनी प्यारी आंखों और बालों को ठीक कर लूंगी। अरे सुनते हो सोनू के पापा, देखो सोनू को कुछ आ गया है। अरे क्या हुआ? अरे बेटा सोनू आंखें खोलो। मैं अदालत से इंसाफ मांगूंगा। सुनो सुनो सुनो, आज हमारी अदालत में ऐसा मुकदमा आया है जो ना कभी पढ़ा गया और ना कभी सुना गया। ये मुकदमा है आप लोगों का अगर आप खा रहे हैं डायबिटीज की दवाई। ये मुकदमा है आप लोगों का अगर आप ले रहे हैं बीपी की दवाई। ये मुकदमा है आप लोगों का अगर आप कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ खिलवाड़। ये मुकदमा है आप लोगों का अगर आप किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं। आज हमारी अदालत में आए हैं एक तरफा फास्ट फूड और दूसरी तरफा देसी अनाज। आइए उन दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और फैसला करते हैं कौन है हमारे लिए उपयोगी। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा फास्ट फूड को और फास्ट फूड में चाउमीन को। नेक्स्ट प्लीज। मैं हूँ मोमोज, जिसे आप खाते हैं रोज रोज। मैं एक मैदे से बना ऐसा पकौड़ा हूँ, खैर छोड़िए। अगर आप मुझे चटनी के साथ खाएंगे ना तो अलग ही मजा है। हाँ हाँ, लाल चटनी के साथ तो बहुत ही स्वाद आता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे भाई समोसे, तू कहाँ रह गया पीछे? आया रे आया। मैं हूँ थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, क्योंकि मैं हूँ समोसा समोसा। अरे क्या अभी तक आपने समोसे के लिए तालियां तक नहीं बजाई? अरे जिन साहब, कल शाम को ही तो मुलाकात हुई थी, खाने का मन था तो कैंटीन से बुला लेते। कटघरे में खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मैं तो मैदे से बना हूँ, मुझ में आलू, चाउमीन और मटर भरे होते हैं। चलिए शाम को मिलते हैं,
ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आइए अब इस देसी अनाज की बातें भी सुन ही लेते हैं। मैं हूँ मक्का। ज्यादातर आपकी मुलाकात थिएटर में मूवी देखते वक्त या किसी मेले में होती है। मैं विटामिन ए बी और सी से भरपूर हूँ, लेकिन आज चाउमीन पिज्जा और बर्गर जमोसे अनहेल्थी फास्ट फूड ने मेरी जगह ले ली है। जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, नेक्स्ट प्लीज। मैं हूँ जुआर। मैं शरीर को काफी स्वस्थ बनाता हूँ। मुझ में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी और ई, जो हमारे शरीर को काफी घातक बीमारियों से बचाते हैं। आज लोगों ने मोमोज, पिज्जा और बर्गर को अपनाया है। इन लोगों ने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जज साहब आपका जो पेट खराब रहता है वो भी ठीक हो जाएगा अगर आप मोटे अनाज को खाएंगे। जज साहब इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, नेक्स्ट प्लीज। मैं हूँ बाजरा। मुझ में है मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन जैसे तत्व। मैं आपकी डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और बीपी को कंट्रोल रखने में मदद करता हूँ, लेकिन अब मेरी जगह आपके थाली में इन फास्ट फूड ने ले ली है। इसलिए जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। आपके पास कोई सबूत है? जी जज साहब, देखो जज साहब, मोटे अनाज को उगाने के लिए कम पानी, कम खाद, कम कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है। अरे जज साहब मुझे भी कुछ कहना है। हाँ हाँ कहिए। मोटा अनाज 4000